हाय स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंडस प्रिंट एजुकेशन। और जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि आज जो है वो 4 फरवरी है, और 4 फरवरी का द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी एनालिसिस हम शुरू करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि आप देख सकते हैं, टाइम टू रीथिंक री इमेजिन एंड रिफॉर्म लीगल सिस्टम्स सेज मोदी। ये हमारे जो देश के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है प्रेसिडेंट के बाद, उनका जो एक स्टेटमेंट आया है कि वो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसमें रिफॉर्मेशन की बात की गई है, राइट। तो एक कॉमनवेल्थ मीट हुई थी, चीफ जस्टिस जो है इंडिया के कॉल्स अपॉन लॉ ऑफिसर्स टू अपहोल्ड ऑनर ऑफ द लीगल प्रोफेशन एंड रिमेन इम्पोवियस टू द पॉलिटिक्स एंड कंडक्ट देमसेल्स विद डिग्निटी इन कोर्ट इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये बयान यहाँ का इनका आता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सैटरडे को एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें रीथिंक करना है, री इमेजिन करना है, और जो लीगल सिस्टम है इंडिया का उसको रिफॉर्म करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। इवन जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, जिनका नाम है DY चंद्राचूड, पॉइंटेड आउट कि गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर है उनको इम्पोवियस रहना चाहिए टू द पॉलिटिक्स ऑफ द डे एंड कंडक्ट देमसेल्स विद डिग्निटी इन कोर्ट। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जो लॉ ऑफिसर्स है, जैसे कि हमारे इंडिया में अटॉर्नी जनरल होता है और एडवोकेट्स जनरल भी होते हैं स्टेट्स में, जिनकी पोस्ट एनविसेज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है इनकी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टू अदर्स सच एज सोलिसाइटर जनरल, एडिशनल सोलिसाइटर्स जनरल एंड एडिशनल एडवोकेट्स जनरल, ये पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था कोर्ट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो उनको अपहोल्ड करना है ऑनर किसका, इस लीगल प्रोफेशन का, कैसे कि उनको क्या करना है, थ्रू एग्जेम्पलरी कंडक्ट फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कोर्ट रूम। ग्रेटेस्ट ग्लोरी जो है अटॉर्नी जनरल की वो ये नहीं है कि उनको केसेस जीतना है गवर्नमेंट के लिए, बट उनको ये इंश्योर करना है कि जस्टिस जो है वो प्रॉपरली डन है टू द पीपल, लोगों के साथ न्याय रहे। चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये कहा है, जूरिस्ट नानी पलीखवाला लेटर्स टू सोली सोरबजी ऑन द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट एज इंडियाज टॉप लॉ ऑफिसर इन 1989। ऑफिसर्स क्या है, कौन है कोर्ट के, देखिए ये ड्यूटी है लॉ का, लॉ ऑफिसर का, कि वो सरकार को ये बताए व्हेन इट डज नॉट हैव अ वैलिड केस। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं वो, उनके पास एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करें। कंपेयर टू प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनसे ज़्यादा अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ ऑफिसर्स के पास, क्योंकि उनका जो रोल दिया है वो एक गार्जियंस की तरह दिया है, गार्जियन किसका, रूल ऑफ लॉ का। तो ये इम्पेरेटिव है कि जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं वो इम्पर्वियस रहे पॉलिटिक्स ऑफ द डे एंड कंडक्ट देमसेल्स विद द डिग्निटी इन कोर्ट, एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। क्रूशल एस्पेक्ट जो है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव आप जानते हैं, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का ये है, ये रेस्ट करता है किस पे, एथिकल कंडक्ट पे। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं जो एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कोर्ट है कोर्ट के ऑफिसर्स की तरह भी वो काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक्सपैंड कोऑपरेशन, प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस है चंद्राचूड के, वो स्पीकिंग, वो एक अपना भाषण दे रहे थे, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सोलिसाइटर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में, सैटरडे अभी रिसेंट ही हुई थी। तो कॉन्फ्रेंस ने ये विटनेस किया था कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ था जो अटॉर्नीज जनरल है और सोलिसाइटर्स जनरल है कॉमनवेल्थ नेशन से, सब ने पार्टिसिपेट किया था, स्पैनिंग द एशिया पैसिफिक, अफ्रीका एंड द कैरिबियन अलोंग विद वेरियस इंटरनेशनल डेलीगेशंस। चीफ जस्टिस रिफर टू द गाइडलाइंस
is issued recently by the Supreme Court in a judgment which cautioned judges against leveraging the power to summon officials as the tool to pressure the government. Mr. Modi speaking on the topic of cross-border challenges in justice delivery said countries need to expand cooperation in the investigation and justice delivery while respecting each other's respective jurisdiction. Ki jo countries hain unko apna cooperation ko expand karne ki zarurat hai taki jo investigation hai wo proper ho sake aur jo justice hai wo जो सच्चा इंसान है उसको जस्टिस प्रॉपरली मिल सके. जबकि हम एक दूसरे का जो रेस्पेक्टिव जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको हमें रेस्पेक्ट भी करना चाहिए. व्हेन वी वर्क टुगेदर ज्यूरिसडिक्शन बिकम्स विदाउट डिलेइंग इट. तो इन्होंने कहा है कि जब एक साथ काम करते हैं तो जो ज्यूरिसडिक्शन है एक टूल बन जाता है जस्टिस को डिलीवर करने के लिए. रेडिकल चेंजेस, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें कुछ रेडिकल चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है नेचर में और स्कोप में क्राइम में, जो रीसेंट टाइम्स में जो क्राइम हो रहे हैं और जो मल्टीनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स है और उनका जो यूज़ है, जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फंडिंग में, ऑपरेशन में. तो ये जो PM है उन्होंने एक अपनी अटेंशन PM ने एक अटेंशन अपनी ड्रॉ की है इस फैक्ट को कि जो इकोनॉमिक क्राइम्स है एक रीजन में वर यूज टू फंड क्राइम्स इन अनदर. ठीक है, उन्होंने ट्रेन किया था स्पॉटलाइट को ऑन द चैलेंजेस ऑफ द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड साइबर थ्रेट्स. क्रिप्टो करेंसी साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं. तो इशू जो था 21st सेंचुरी का इसको हम टैकल नहीं कर सकते 20th सेंचुरी का अप्रोच लेके. मोदी जी ने कहा है कि हमें क्या करना है कि इस लीगल सिस्टम जो है हमारा उसको रीथिंक करना है, सोचना है, रीइमेजिन करना है और इसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. तो ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन सा है. अब दोस्तों जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट, वो आप देख सकते हैं कि BJP के जो वेटरन जो अडवानी हैं टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न. BJP के जो बहुत पुराने नेता रह चुके हैं, फॉर्मर जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं LK आडवानी, उनको भारत रत्न, जो उन्होंने एक रथ यात्रा शुरू की थी जिसने जो अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या राम टेम्पल का को जो एक नेशनल मूवमेंट इन्होंने बनाया था, ठीक है, उसकी वजह से उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा. इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने सैटरडे को ये अनाउंसमेंट दी है, राइट. तो 2015 में उनको पद्मा विभूषण जो है वो भी मिला था. ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्मा विभूषण. पद्मा विभूषण से इनको नवाज दिया गया है, इस अब इनको भारत रत्न मिलेगा. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कोल्ड मिस्टर अडवानी आफ्टर द डिसीजन वॉज मेड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. मोस्ट जो रेस्पेक्टेड स्टेटमेंट्स है ऑफ आर टाइम्स, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिवेलपमेंट ऑफ इंडिया इज मोन्यूमेंटल. हिज इज अ लाइफ दैट स्टार्टेड फ्रॉम वर्किंग at the grassroots to serving the nation as our deputy prime minister. ये Mr. Modi ने post किया था, right? तो जो announcement आया था comes 10 days after socialist leader Karpurti Thakur was accorded the same honor, ठीक है, completing the circle from the politics of the 1990s which were dominated by the social justice and Ram Temple movement. Honor for principles. Reacting to the award, Mr. Advani ने एक statement release की है इसको acknowledge करते हुए that it was an honor not just personally but also for his ideals and principles. Ever since I joined the Rashtriya Swama Sevak Sangh as its volunteer at the age of 14, I have sought reward in only one thing. In dedicated and selfless service of my beloved country, the 96-year-old leader said, adding that he was inspired by the motto, "Ye, this life is not
माइन एडम ना मामा। अब देखते हैं पेज 7 पे, इस आर्टिकल को देखते हैं, नेक्स्ट जो कंटेंट है वो पेज 7 पे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर अडवाणी है वो ये कहते हैं, लेट सीनियर जनसंघ लीडर दीनदयाल उपाध्याय, द लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड हिज ओन लेट वाइफ कमला, तो इनको ये याद करते हैं। 1990 में क्या हुआ था, एक राम यथ यात्रा निकाली गई थी विच ट्रैवर्स्ड इंडिया व्हिपिंग अप सपोर्ट फॉर अ कैंपेन टू बिल्ड अ टेंपल ऑन द साइट ऑफ बाबरी मॉस्क। बाबरी मॉस्क जो है वो 500 साल पुरानी एक मस्जिद है, तो बाबरी मस्जिद जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था बाबरी मस्जिद का, ये एक बिलीफ था लोगों का कि यहाँ पे पहले एक मंदिर था, ये जो लॉर्ड रामा है उनका उनका बर्थ प्लेस भी इसको माना गया है, और सभी जानते हैं कि अयोध्या लॉर्ड रामा का बर्थ प्लेस लोग इसको मानते हैं, बिलीव करते हैं। लेट नोट जस्ट टू द मॉस्क डिस्ट्रक्शन इन 1992 में उस मॉस्क को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, बट ऑल्सो रीडिफाइंड नेशनल पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स टू कम अलोंग विद द मंडल कमीशन्स रिकमेंडेशंस। इट गेव द बीजेपी अ फिलिप इन नेशनल पॉलिटिक्स, इससे ही बीजेपी को एक फिलिप मिली थी नेशनल पॉलिटिक्स में, टू द पॉइंट वेर इट फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन 1996 फॉर 13 डेज एंड इन 1998 फॉर 13 मंथ्स एंड फाइनली फॉर अ फुल टर्म बिटवीन 1999 and 2004, Mr. Advani went on to serve as the Union Home Minister in the BJP-led National Democratic Alliance government from 1998 to 2004. तो इन्होंने एक यूनियन होम मिनिस्टर की बतौर पोस्ट यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक बीजेपी एक अलायंस पार्टी बनी थी 1998 से 2004 के बीच में, फ्रॉम 2002 टू 2004 अंडर वाजपेयी लीडरशिप ही सर्व्ड एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद ये लीडर रहे ओपोजिशन के ड्यूरिंग मच ऑफ द मनमोहन सिंह लेड यूपीए एरा 2004 से 2014 में। कुछ रिंकल्स अपियर हुए थे उनकी रिलेशनशिप, जो उनकी रिश्ता था आरएसएस के साथ और बीजेपी, जब इन द वेक ऑफ द वाजपेयी गवर्नमेंट्स डिफीट इन 2004, वाजपेयी की जो सरकार है उसकी 2004 में डिफीट हो जाती है, तो इनके रिश्ते जो है वो उनकी जो रिलेशनशिप थी आरएसएस के साथ और बीजेपी के साथ, उसमें कुछ क्लैशेस थोड़े से देखने को मिले थे। मिस्टर अडवाणी ने एक अटेम्प्ट बनाया था टू रिकैलिब्रेट हिज इमेज फ्रॉम अ पॉलिटिकल हॉक टू अ मोर ब्रॉड बेस्ड लीडर, मेकिंग अ लैंडमार्क 6-डे ट्रिप टू पाकिस्तान इन जून 2005। इस पॉइंट का मतलब ये है सीधा सीधा कि उन्होंने अपनी इमेज को बदलने की कोशिश की थी, एक पॉलिटिकल हॉक से लेके एक ऐसा लीडर है जो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड लीडर है, इस वजह से उन्होंने एक 6 दिन की ट्रिप भी ली थी पाकिस्तान, वो गए थे जून 2005 की बात हो रही है। हाउएवर हिज प्रेज फॉर पाकिस्तान्स फाउंडर एंड द राइट विंग्स मोहम्मद राइट विंग्स बेट नुआर मोहम्मद अली जिन्ना डिस्क्राइबिंग हिम एज सेक्युलर लेड टू कॉन्ट्रोवर्सी इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या आता है कि उसका जो इन्होंने एक प्रेज भी की थी पाकिस्तान के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इनको सेक्युलर बताया था, तो इससे कॉन्ट्रोवर्सी कुछ आ गई थी। एक री अप्रोचमेंट विद द आरएसएस एनस्यूड सून afterwards as he was projected as BJP's prime ministerial candidate in 2009. However, that year's election saw the return of the UPA government under Dr. Singh. तो 2009 में क्या होता है कि ये फिर से इलेक्शन लड़ते हैं
और एक रीअप्रोचमेंट इनकी होती है आरएसएस, रीअप्रोचमेंट विद द आरएसएस एंस्यूड सून आफ्टरवर्ड्स एज ही वाज प्रोजेक्टेड एज द बीजेपीज प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट इन 2009। तो कहा था कि बीजेपी के ये कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए इन्होंने अपना नाम दिया था एज अ कैंडिडेट, लेकिन उस साल इनकी डिफीट होती है और तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बनते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज एलिफेंट कैप्चर्ड इन केरला फाउंड डेड ऑन अराइवल एट बंदीपुर टाइगर रिजर्व। एक ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट्स होता है, एक 25 साल का एक टस्कर जिसको केरला में कैप्चर किया जाता है और फिर उसको शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है बंदीपुर में, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो क्या होता है कि इट वॉज फाउंड डेड ऑन अराइवल इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे। देखा गया है कि वो जो एलिफेंट है फिर वो मरा हुआ मिलता है। सो इस एलिफेंट का जो निकनेम था वो क्या था, थानर कॉम्बन। इट वॉज ओरिजिनली कैप्चर्ड इन एन ऑपरेशन इन द बेलर फॉरेस्ट रेंज ऑफ हसन डिस्ट्रिक्ट ऑन January 16, 2024 इन अ बिड टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। इसको कैप्चर किया जाता है जो कि बेलर फॉरेस्ट रेंज है हसन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से January 16 को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। आफ्टर ट्रैंक्विलाइजेशन एंड रेडियो कॉलरिंग एलिफेंट वॉज रिलीज इन द वाइल्ड इन द मूल होल रेंज ऑफ बंदीपुर टाइगर रिजर्व विच इज़ अ ट्राई जंक्शन एंड अबाउट वेनद इन केरला एंड मुधुमलाई इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर क्या है कि तो ट्रैंक्विलाइजेशन के बाद और रेडियो कॉलरिंग के बाद इस एलिफेंट को रिलीज कर दिया जाता है जंगल में, किस पे, मूल होल रेंज जो होती है बंदीपुर टाइगर रिजर्व की, वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये एक्चुअली में एक ट्राई जंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्री रेंजिंग एलिफेंट जो है वो मूव करता है कहाँ पे, वायनाड साइड में जो केरला में है, इन केरला, और ये एंटर कर जाता है तालुक ऑफ ऑफिस कंपाउंड ऑफ मनंथावेडी टाउन following which a decision was taken by the forest department of both the states to tranquilize and relocate it to Bandipur from where it had come। तो फिर ये कहा गया है कि जब ये इस तरह से टाइगर रोम कर रहा था इधर उधर, तो एक डिसीज़न लिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दोनों स्टेट्स की कि हम इसको रीलोकेट करें बंदीपुर से जहाँ से ये आया था। ही सेड द एंटायर ऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्रैंक्विलाइजेशन वॉज डन बाई द केरला टीम एंड ओनली अ फ्यू मेहोट्स एंड अदर स्टाफ वर सेंट फ्रॉम द बंदीपुर साइड फॉर देयर असिस्टेंस। टस्कर वॉज ट्रैंक्विलाइज ऑन फ्राइडे एट 5:40 PM एंड शिफ्टेड टू बंदीपुर एट 10:30 PM। लेकिन जो एलिफेंट था उसकी मृत्यु हो जाती है जब वो उसको ट्रांसपोर्टेशन उसका कर रहे होते हैं उस दौरान। एलिफेंट डेथ केम टू लाइट व्हेन द ट्रक कैरिंग इट रीच द रामपुरा कैंप अराउंड 1:30 AM ऑन सैटरडे एंड ऑफिशियल्स हु वेंट टू एग्जामिन इट फाउंड दैट इट हैड कोलैप्स्ड ही एडेड। सो इट इज़ नॉट क्लियर वेदर देर वॉज एन ओवरडोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स as being suspected in certain quarters among activists who have flayed the authorities of both the states and accused them of botched up operation that led to the death of a majestic animal। के इसको जो दवाइयाँ हैं उसका डोज ट्रैंक्विलाइजर का क्या ज़्यादा किया गया है, इसकी वजह से ये कोलैप्स शायद हो गया होगा। Postmortem of the elephant, it was conducted in the presence of the forest department staff of both the states and samples of the viscera were collected and sent to the laboratory for analysis।
एक पोस्टमार्टम होता है इसके, विस्केरा का सैंपल को कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेजा जाता है. मिस्टर रमेश कुमार सेड दैट एलिफेंट डाइड ऑफ अ शॉक एंड ट्रोमा एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ ब्लड क्लॉट इन द हार्ट. तो ये है कि जब इसको ट्रांसपोर्टेशन किया गया था इसका, इसके साथ जो इस एनिमल ने जो ट्रॉमा फेस किया है, जो डिप्रेशन फेस किया है, उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है. नेक्स्ट आर्टिकल है डस्टेड अपोलो साइटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन हिमाचल चंबा. डस्टेड अपोलो, जिसको हम इसका साइंटिफिक जो नेम है वो पैरनेशियस स्टेनोसीमस भी है. ये एक रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई है जिसको देखा गया है एंड इसको देखा भी गया है, फोटोग्राफ भी इसका आया है पहली बार हिमाचल प्रदेश में, जो इंडिकेट करता है कि जो फ्लोरिशिंग डाइवर्सिटी है अपोलो बटरफ्लाइज की इस रीजन में, ब्रिंगिंग चीयर्स टू बटरफ्लाई एंथुसियास्ट्स. बटरफ्लाई वाज साइटेड एंड फोटोग्राफ्स इन सितंबर 2023. ऑल राइट, सो ड्यूरिंग अ ट्रैक ट्रैक टू मनी महेश लेक इन चंबा बाई गजेंद्र वर्मा एंड अविनाश ठाकुर, बोथ फॉरेस्ट गार्ड्स ऑफ चंबा फॉरेस्ट सर्कल हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. स्पेशीज वॉज डिस्कवर्ड इन 1890. अब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन रेंज की बात करें इस डस्टेड अपोलो की, तो वो एक्सटेंड करती है लद्दाख से लेके वेस्ट नेपाल तक, और ये 3500 से 4800 मीटर्स तक जो है वो फ्लाई करती है. डस्टेड अपोलो जो है वो एक्सट्रीमली रेयर है और इसको कभी भी फोटोग्राफ नहीं किया गया. डस्टेड अपोलो इज़ एक्सट्रीमली रेयर और इसको कभी फोटोग्राफ नहीं किया गया. चंपा में ये पाई गई है. लोविश गरलानी एक बटरफ्लाई एक्सपर्ट है और रिसर्चर है, एसोसिएटेड एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. उन्होंने कहा है द हिंदू को कि डस्टेड अपोलो की जो स्पेशीज है क्लोजली रिजेंबल करती है लद्दाख बैंडेड अपोलो, ठीक है, बट द डिस्कल बैंड ऑन द अपर फोर विंग इन डस्टेड अपोलो इज कंप्लीट एंड एक्सटेंड फ्रॉम कोस्टा टू वेन वन, वेर एज द डिस्कल बैंड इज इनकम्प्लीट एंड एक्सटेंड ओनली अप टू वेन फोर इन लद्दाख बैंडेड अपोलो. मोर ओवर जो डार्क मार्जिनल बैंड है हिंड विंग्स पे वो नैरोवर है डस्टेड अपोलो में, जबकि ये ब्रॉड है किसमें, लद्दाख बैंडेड अपोलो की जो स्पेशीज है उसमें. आफ्टर इट वॉज फोटोग्राफ्ड इन चंपा इट्स आइडेंटिफिकेशन वॉज कन्फर्म अ मंथ अगो आफ्टर थोरो साइंटिफिक एग्जामिनेशन. Another rare species, Regal Apollo, which is protected under Schedule 2, Second of the Wildlife Protection Act 1972, was also photographed at Mani Mahesh, he said. तो ये encouraging है, indication है flourishing diversity का, Apollo butterfly की जो diversity मिल रही है इस region में. Apollos are considered commercially important butterflies, क्योंकि इनका बहुत ही एज दे फेच हाई प्राइजेस इन द पोचिंग इंडस्ट्री. देर आर 14 अपोलो स्पेशीज रिकॉर्डेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड 5 ऑफ देम आर डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल स्पेशीज. ज़्यादातर जो अपोलो बटरफ्लाइज है आर नाउ एंडेंजर्ड एंड नीड इमीडिएट अटेंशन फॉर देयर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. कंसर्न ओवर द declining trend of the number of butterflies in the state, Mr. Garlani said that there was an immediate need to protect these rare butterfly species. Community awareness about poaching and the importance of these species may play an important role in their conservation. Also, establishing butterfly parks and conservation reserves in the state should be ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही सेड. तो कहीं नहीं है कि हमको इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है कि कुछ हम जो पार्क हैं
कंजर्वेशन रिजर्व्स बना सकते हैं, बटरफ्लाई को उसको प्रिजर्व कर रिजर्व करने के लिए पार्क्स बना सकते हैं, ताकि जो ये स्पेशीज है, जो अभी कुछ स्पेशीज एक्सटिंक्ट इसकी होने वाली हैं, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। अब देखिए जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है डिस्प्यूट ओवर वाराणसी मथुरा मॉस्क, Why is the spotlight back on the places of worship? Special Provisions Act 1991. Why do courts feel the legal bar on changing status of places of worship does not apply to these suits? Are there exceptions? What are the arguments on either side? देखिए ये जो Place of Worship Special Provision Act है 1991 का, इस ये फिर से फोकस में है क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। सिविल सूट्स क्वेश्चनिंग द रिलीजन कैरेक्टर ऑफ मॉस्क एट वाराणसी एंड मथुरा आर प्रोग्रेसिंग अपेस। ये जो डेवलपमेंट है ये शो करता है कि जो लेजिस्लेशन फ्रीजिंग द स्टेटस ऑफ प्लेसेस की जो लेजिस्लेशन है वो प्लेसेस का जो स्टेटस है उसको फ्रीज कर रहा है वर्शिप का, वो इनएडिक्वेट है हिंदू क्लेमेंट्स को स्टॉप करने के लिए फ्रॉम मेकिंग डिटरमिंड लीगल एफर्ट्स टू अचीव देयर गोल ऑफ रिप्लेसिंग देम विद टेम्पल्स। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल यहीं पे देख लिए हैं कि जब से ये राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है तब से, और जब से आपने देखा होगा बीजेपी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से कहीं ना कहीं जो देश का माहौल है वो बदला हुआ है। बहुत सारे जो क्लेम्स हैं वो किए जा रहे हैं मॉस्क पे कि यहाँ पे पहले कभी मंदिर था या कुछ मस्जिद भी हैं जहाँ पे पहले उसमें मंदिर था उसके सबूत भी पाए गए हैं। सो वाई द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनेक्टेड। अब हम पढ़ेंगे जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट ने एक मोमेंटम लिया था, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने दो दूसरी जो मस्जिद है उसका भी केस लिया। पहले आता है ज्ञानवापी मॉस्क जो कि वाराणसी में है और दूसरा आता है शाही ईदगाह जो कि मथुरा में है। सेप्टेम्बर 1991 में क्या हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्पेशल लॉ बनाया था ताकि वो जो प्लेसेस है वर्शिप का उसको फ्रीज कर सके, एज दे वर ऑन ऑगस्ट 15, 1947। लॉ कैप्ट द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर एट अयोध्या आउट ऑफ इट्स परव्यू एज इट वॉज देन एन ऑनगोइंग लिटिगेशंस। तो इस वजह से ये जो डिस्प्यूट्स था उस पर भी कोई जजमेंट नहीं आ पाया था। तो इस एक्ट के मेन फीचर्स हम देखते हैं। एक्ट डिक्लेयर करता है रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन ऑगस्ट 15, 1947। इट सेज दैट कोई भी पर्सन जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता कोई भी प्लेस है वर्शिप का, किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का, किसी एक में या फिर डिफरेंट डिनोमिनेशन में या फिर सेक्शन में। और ये डिक्लेयर करता है कि जितने भी सूट्स है, अपील्स है या जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो प्लेस है उसको कन्वर्ट करने के जो रिगार्डिंग है कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप जो पेंडिंग है कोर्ट से पहले और अथॉरिटी में ऑन ऑगस्ट 15, 1947 will abate as soon as the law come into force. No further legal proceeding can be instituted. तो यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया था कि जो भी places है worship के उनको convert नहीं किया जाएगा, जो जिस धर्म की वहाँ पे पूजा या फिर नमाज हो रही है वही continue रहेगी। So there are couple of exceptions to the rule. 1991 act will not apply to ancient and historical monuments. फिर क्या कहा गया था कि जो एंशंट हमारी मोन्यूमेंट्स है या फिर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और रिमेन्स है दैट आर कवर्ड बाय द एंशंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इट विल ऑल्सो नोट अप्लाई टू एनी सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज ऑफ। उस सूट पर भी नहीं अप्लाई होगा जो
जिसका सेटलमेंट हो चुका है और एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज बिफोर द 1991 एक्ट केम इनटू फोर्स और टू द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विसेंस राइट. सो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग केस ऑन द ज्ञानवापी मॉस्का हम पढ़ लेते हैं. एक सूट विच वॉज फाइल्ड इन 2022 इन द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाई अ ग्रुप ऑफ हिंदू वीमेन वर्शिपर्स सीकिंग टू अजर्ट देयर राइट टू वर्शिप डीटीज दे क्लेम आर स्टिल फाउंड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क. के ज्ञानवापी मॉस्क पे उन्हें कुछ डीटीज की डीटीज जो है उनकी स्टैचू मिली थी तो वो कहती हैं कि हमें वहाँ पे पूजा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए. प्लेंटिव्स से दैट दे हैव अ राइट टू वर्शिप माँ श्रीनगर गौरी गणेश हनुमान एंड अदर विजिबल एंड इनविजिबल डीटीज. ऑल्सो पेंडिंग इज अनदर बैच ऑफ सूट्स फाइल्ड इन 1991 सीकिंग अ डिक्लेरेशन दैट कि जो पार्ट है साइट का ज्ञानवापी मोस का बिलोंग्स टू लॉर्ड विश्वेश्वर. ओके 1991 में भी एक इसमें सूट्स ने एक सूट फाइल हुआ था. मेन बेसिस जो है सूट्स के लिए हिंदू साइड में वो ये कहता है कि एक ओल्ड टेंपल जो है लॉर्ड विश्वेश्वर का वो ज्ञानवापी जो कंपाउंड है उसके सेंटर में लाई करता है. साइट दे कंटेंट इज द एबोड ऑफ द सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी सिंस टाइम इमेमोरियल. दे क्लेम दैट टेंपल वॉज डिमोलिश्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ एम्परर औरंगजेब इन 1969. तो ये कहते हैं कि जो टेंपल है उसको डिमोलिश करके फिर इसके ऊपर मस्जिद बनाई थी. सो फार कोर्ट ऑर्डर्स हैव फेवर्ड द पोजिशन दैट दीज सूट्स आर नॉट बेयर्ड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. ऑन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर्स द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ द प्रीमाइसेस. अब जब सर्वे हुआ तो अब देखते हैं सर्वे में क्या पाया गया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जब अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो क्लेम्स दैट कि टेंपल जो एग्जिस्ट करता है दे आर प्राइमर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क. ये बिल्कुल सही था. कोर्ट ने अलाउ कर दिया कंडक्ट किसका कि वहाँ पे हिंदू प्रेयर्स हो एट द सेलर ऑन द प्रीमाइसेस. ऑर्डर अलाइंग हिंदू प्रेयर्स हैज़ बीन क्वेश्चन बाय द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी विच एडमिनिस्टर्स द ज्ञानवापी मॉस्क. इन्होंने फिर कहा जो फैसला लिया कोर्ट ने कि आप अपनी जो प्रेयर है वो स्टार्ट कर दीजिए. तो ये जो एक कमेटी है उन्होंने क्वेश्चन किया इस फैसले को. सूट्स इन मथुरा पर्टेन टू द शाही ईदगाह मोस्क दैट स्टैंड्स एडजेसेंट टू द कृष्णा जन्मभूमि टेंपल है. कृष्णा की जो कृष्णा है लॉर्ड कृष्णा उनकी जन्मभूमि टेंपल है वहाँ पे उसके पास ही मथुरा में एक शाही ईदगाह है. ये जो सूट्स है वो क्लेम करते हैं कि मॉस्क बिल्ट ओवर द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. मॉस्क कमिटी हावेवर डिनाइज द एलिगेशंस. डिस्प्यूट वॉज सेटल थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संस्थान एंड शाही ईदगाह ट्रस्ट इन 1968. ये जो है वो एक क्या बोलते हैं एक कॉम्प्रोमाइज हो चुका था and it was implemented through a decree in 1974. As part of the settlement, Sansthan had given up a portion of the land to the Eidgah. ठीक है. Current suits challenge करता है इस compromise को कि ये fraudulent था और seek करता है transfer किसका entire parcel जो है land का to the DT. Allahabad High Court has transferred to itself all suits pertaining to the Mathura disputes. तो मथुरा डिस्प्यूट्स से लेके जितने भी सूट्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं अलाहाबाद हाई कोर्ट पे. व्हाई हैज़ नॉट द एक्ट बेयर्ड सूट्स ऑन ज्ञानवापी एंड शाहीद का. देखिए दोनों डिस्प्यूट्स में अगर हम बात करें रेस्पेक्टिव जो मोस्ट कमिटी है सो रिजेक्शन ऑफ द सूट्स ऑन द ग्राउंड दैट कि जो प्लेसेस है वर्शिप एक्ट का वो सूट सच इस तरह के लिटिगेशंस को प्रोहिबिट करता है. हावेवर कोर्ट का जो ऑर्डर है सो फार ये कहता है कि
does not bar these suits and that they must go on. Gyanvapi worshipper case jo hai ruling is that suit aimed to assert the right of worship of the Hindu deities and did not seek to convert the status of mosque. वो कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू डीटीज जो है वो पाई गई हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हम पूरा कन्वर्ट करें इस मॉस्क को, बस हमें इनको वर्शिप करने की एक राइट दे दीजिए. रिगार्डिंग द अर्लियर बैच ऑफ सूट्स, अलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ टेकन द व्यू व्हाट द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म रिलीजियस कैरेक्टर. स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ बीइंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम. देखिए कोई भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों कैरेक्टर हों उस बिल्डिंग के, क्योंकि क्लैशेस होने के चांसेस रहेंगे बिल्कुल. एंड दैट द ओनली एन एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस कैन डिटर्मिन इट्स रिलीजियस कैरेक्टर. तो वहाँ पे डिटर्मिन एविडेंस पाने मिले अगर एक्ट कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट बार ऑन प्रोसीडिंग्स टू एसरटेन इट्स रिलीजियस कैरेक्टर इट हेल्ड. रिगार्डिंग द मथुरा डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ टेकन द व्यू दैट द सूट्स आर नॉट बेयर्ड बाई द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एज वॉट इज अंडर चैलेंज इज द कॉम्प्रोमाइज डिक्री बेस्ड ऑन 1968 एग्रीमेंट एज द डिक्री वॉज ड्रोन अप बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 1991 एक्ट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द केस इट हेल्ड. नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि फिस्कल कंसोलिडेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. देखिए यूनियन की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीताराम ने अनाउंस किया था अपनी बजट स्पीच के दौरान सेंटर कि सेंटर जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 5.1% तक रिड्यूस करेगा जीडीपी का ऑफ ग्रोस जीडीपी 2024 से 25 में. उन्होंने फर्दर ये कहा था कि जो फिस्कल डेफिसिट है would be paired to below 4.5% of GDP by 2025-26. So, finance minister ka jo ye projection surprised hai most analyst who expected that ki jo government ka fiscal deficit targets hai wo slightly higher hoga at about 5.3 or 5.4% of GDP. गवर्नमेंट की जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है ऑल्सो लोवर्ड द फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्शन फॉर 2023-24 टू 5.8% ऑफ जीडीपी. अब फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट्स क्या होता है कि ये शॉर्टफॉल है किसमें, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, जब हम इसके जो एक्सपेंडिचर है उसको हम कंपेयर करें. गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है जब उसमें एक शॉर्टफॉल आ जाता है व्हेन कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर. ओके सो जब एक गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इसके रिवेन्यूज को एक्सीड करता है तो गवर्नमेंट को क्या है कि उसको बोरो करनी पड़ती है मनी या फिर अपने एसेट्स को सेल करना पड़ता है ताकि जो डेफिसिट है उसको फंड किया जा सके. टैक्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है रिवेन्यू का किसी भी गवर्नमेंट के लिए. 2024 से 25 के बीच में क्या हुआ था, गवर्नमेंट टैक्स रिसीट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹26.02 लाख करोड़ जबकि इसका टोटल रिवेन्यू जो है वो 30.8 लाख करोड़ को एस्टिमेट किया गया था. यूनियन गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर था ऑन द अदर हैंड उसको एस्टिमेट किया गया था ₹47.66 लाख करोड़. जब एक गवर्नमेंट रन करती है रनस अ फिस्कल सरप्लस ऑन द अदर हैंड इट्स रिवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर. ठीक है तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा सरप्लस हो गवर्नमेंट की अर्निंग बहुत ज़्यादा हो तो इसका जो रिवेन्यू है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट एक्सपेंडिचर. सो इट इज़ हाउएवर क्वाइट रेयर फॉर गवर्नमेंट टू रन अ सरप्लस. तो बहुत रेयर होता है कि सरकार कभी सरप्लस में रही हो. ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है आज की वो किस पे फोकस करती है, ऑन कीपिंग द फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल रादर देन ऑन जनरेटिंग अ फिस्कल सरप्लस और ऑन बैलेंसिंग द बजट. तो सरकार क्या कोशिश करती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा कंट्रोल में रहे. फिस्कल डेफिसिट को हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है नेशनल
डेथ के साथ। नेशनल डेथ की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गया फिस्कल डेफिसिट से। नेशनल डेथ होता है अमाउंट ऑफ मनी जो गवर्नमेंट जो है किसी कंट्री की आउज इट्स लैंडर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द टाइम। नेशनल डेथ इज़ यूजली वो अमाउंट होता है डेथ का जो गवर्नमेंट ने एक्यूमलेट किया है बहुत साल तक ऑफ रनिंग फिस्कल डेफिसिट्स एंड बोरोइंग टू ब्रिज द डेफिसिट्स। वो कर्जा होता है। फिस्कल डेफिसिट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीज GDP। तो कंट्रीज GDP सिंस इट इज़ बिलीव्ड दैट द फिगर शोज हाउ इजीली द गवर्नमेंट विल बी एबल टू पे इट्स लेंडर्स। इन अदर वर्ड्स हायर अ गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट एज अ शेयर ऑफ GDP द लेस लाइकली इट्स लेंडर विल बी पेड बैक विदाउट ट्रबल। The less likely that its lender will be paid back without trouble. Country जिनका larger economies है can run higher fiscal deficits in term of absolute numbers of money. Government कैसे fund करती है अपने fiscal deficits को? देखिए, in order जब सरकार को fund करना पड़ता है अपने fiscal deficit को, government mainly borrow करती है money कहाँ से? Bond market से, जहाँ पे लेंडर्स कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ लेंड करने के लिए गवर्नमेंट को। कैसे कि गवर्नमेंट जो इशू करती है बॉन्ड को उनको परचेज करके। तो 2024 से 25 में सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू बोरो अ ग्रोस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 13 लाख करोड़ फ्रॉम द मार्केट। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इतना पैसा सरकार मार्केट से लेगी जो लोअर है देन इट्स बोरोइंग गोल फॉर 2023-24। एज इट एक्सपेक्ट्स टू फंड इट्स स्पेंडिंग इन 2024-25 थ्रू हायर GST कलेक्शंस। तो यहाँ पे क्या है कि GST का कलेक्शन ज़्यादा होने वाला है इस साल। इकोनॉमिस्ट वर एक्सपेक्टिंग दैट के सेंटर वुड सेट अ बोरोइंग टारगेट ऑफ अबाउट रुपीज़ 15.6 लाख करोड़ फॉर 2024-25 के इतना टारगेट सरकार अपना करेगी। सो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि सेंट्रल बैंक जैसे कि RBI ये मेजर प्लेयर है क्रेडिट मार्केट में। ऑल्दो ये दे मे नॉट ऑलवेज डायरेक्टली परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, RBI मे स्टिल परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द सेकेंडरी मार्केट्स फ्रॉम प्राइवेट लेंडर्स हु हैव ऑलरेडी परचेज बॉन्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे कोई प्राइवेट लेंडर्स हैं उन्होंने सरकार से बॉन्ड को खरीद लिया है तो उनसे RBI खरीद सकती है। सो जब एक सरकार गवर्नमेंट बोरो करती है बॉन्ड कहाँ से? बोरो करती है बॉन्ड फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। सो इट नॉट ओनली बोरोज फ्रॉम प्राइवेट लेंडर्स बट ऑल्सो इनडायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। जैसे RBI परचेज करता है इन बॉन्ड्स को थ्रू वॉट आर कोल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय क्रिएटिंग फ्रेश मनी विच इन टर्न कैन लीड टू हायर मनी सप्लाई एंड ऑल्सो हायर प्राइसेस इन द वाइड इकोनॉमी ओवर टाइम। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर जनरली कंसिडर टू बी रिस्क फ्री एज द गवर्नमेंट कैन अंडर द वर्स्ट केस सिनेरियो गेट हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल बैंक विच कैन क्रिएट फ्रेश करेंसी टू द पे ऑफ टू पे ऑफ द लेंडर्स। तो ये जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं उनको हम रिस्क फ्री बोलते हैं क्योंकि सरकार कभी भी जैसे वर्स्ट केस आए कुछ इमरजेंसी आए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो सेंट्रल बैंक से हेल्प मांग सकती है जो फ्रेश करेंसी को क्रिएट कर सकता है अब टू पे ऑफ द लेंडर्स। तो गवर्नमेंट जनरली डू नॉट फाइंड इट हार्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। बिगर प्रॉब्लम ये है कि रेट एट विच दे आर एबल टू बोरो द मनी एज अ गवर्नमेंट फाइनेंसेस वर्सन। जैसे एक सरकार के जो भी फाइनेंसेस है वो ख़राब होते हैं तो डिमांड जो होती है गवर्नमेंट के बॉन्ड की वो कम हो जाती है, ठीक है, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू ऑफर टू पे अ हायर इंटरेस्ट रेट टू लेंडर्स। तो सरकार फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है लेंडर्स को एंड लीडिंग टू हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। हाउ मच इट कॉस्ट गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट।
central bank lending rates, which were near zero in many countries before the pandemic, have risen sharply in the aftermath of the pandemic. तो सेंट्रल बैंक के जो लैंडिंग रेट्स थी जो ज़ीरो थी बहुत सारी कंट्रीज़ में पैंडमिक के बाद हम देखेंगे कि इसमें शार्प आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगी. दिस मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव फॉर गवर्नमेंट टू बोरो मनी. तो ये क्या बनाता है, सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाता है, एक्सपेंसिव बनाता है मनी को बोरो करना, एंड कुड बी वन रीज़न वाई द सेंटर कीन टू ब्रिंग डाउन इट्स फिस्कल डेफिसिट. कि सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को क्यों कम रखना चाहती है. Why does the fiscal deficit matter? Fiscal deficit matter करता है बहुत सारी reason के लिए. For one, there is strong direct relationship between the government fiscal deficit and inflation in the country. Direct relationship है जो भी महंगाई होती है उसके बीच में और जो fiscal deficit है उसके बीच में और inflation के बीच में. जब एक country government जो है country की जो government है runs a persistently high fiscal deficit, this can eventually lead to higher inflation. ठीक है, high fiscal deficit है तो higher inflation होगा, क्योंकि सरकार को ये सरकार भी government will be forced to use fresh money issued by the central bank to fund its fiscal deficit. ज़्यादा fiscal deficit, ज़्यादा inflation, ज़्यादा महंगाई. Fiscal deficit recently reached a high of 9.1% of GDP during the pandemic and has since improved significantly and is projected to drop 5.8% now. Fiscal deficit also signal करता है market को कि जो degree है fiscal discipline का maintained by the government. Lower fiscal deficit may thus help improve the ratings assigned to the India government bonds. ठीक है, जब गवर्नमेंट जो एबल है फंड करने के लिए मोर ऑफ इट्स स्पेंडिंग थ्रू टैक्स रिवेन्यूज एंड बोरो लेस, सरकार जब कम बोरो करेगी और ये सरकार जो है फंड करती है अपनी स्पेंडिंग को टैक्स रिवेन्यू के थ्रू, सो दिस गिव्स मोर कॉन्फिडेंस टू लेंडर्स एंड ड्राइव्स डाउन द गवर्नमेंट्स बोरोइंग कॉस्ट. सरकार की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है. हाई फिस्कल डेफिसिट एडवर्सली अफेक्ट करता है सरकार की एबिलिटी को मैनेज करने के लिए इट्स ओवरऑल पब्लिक डेट. दिसंबर में क्या हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वार्न किया था कि जो इंडिया का जो पब्लिक डेट है वो 100% तक राइज कर सकता है, मोर देन 100% ऑफ GDP इन द मीडियम टर्म ड्यू टू रिस्क, ऑल्दो द सेंटर डिसएग्रीड विद द असेसमेंट. It is also worth noting that the center has been taken on tapping the international bond market. Lower fiscal deficit help कर सकते हैं government को to more easily sell its bond overseas and access cheaper credit. What lies ahead? Center का जो plan है वो ये है कि अपने fiscal deficit को थोड़ा सा down करना, 2024 से 25 में 5% तक लाना है GDP के, despite having plans to boost capital expenditures and to spend on other programs. तो ज़्यादातर जो revenue है to fund such spending will have to come from tax collection. ठीक है, center expect करती है कि tax collection जो है वो 11.5% तक rise करे इस पीरियड में. इट हैज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड अ कट इन एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी, कि जो सब्सिडी देती है सरकार फर्टिलाइजर में उस पर भी वो कट करेगी. तो फ्रॉम 1.88 लाख करोड़ इन 2023 टू 1.64 लाख करोड़ इन 2024-25 अमाउंट जो स्पेंड है फूड सब्सिडी पे वो भी ड्रॉप करेगा 2.12 लाख करोड़ इन 2023 टू 2.05 लाख करोड़ इन 24-25. ट्राइंग टू बैलेंस द बजट प्राइमरीली थ्रू रेजिंग टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स इंक्रीज होंगी ताकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो. हाउएवर कुड कम एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस टैक्सेस कैन एक्ट एज अ डैम्पनर ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, हाउएवर
that the government will be able to meet its fiscal deficit target, which is seen as ambitious by many, as its projections may